अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं शोबीज नाओ। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ खूबसूरत अदाकारा ज़ैनब कय्यूम के बारे में। ज़ैनब कय्यूम कौन है, क्या करती हैं, इनकी फैमिली में कौन कौन है, आइए मुकम्मल डिटेल्स जानते हैं। तो उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल शोबीज नाओ पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि शोबीज से आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बरवक्त मिल सकें। तो व्यूअर्स, ज़ैनब कय्यूम पाकिस्तान के शहर कराची से ताल्लुक रखती हैं और 23 मार्च 1973 को कराची में पैदा हुई और इस वक्त इनकी उम्र तकरीबन 50 ईयर्स हो चुकी है। ये ना सिर्फ एक्ट्रेसेस हैं बल्कि टीवी होस्ट भी हैं, कंपोजर भी हैं और मॉडल भी रह चुकी हैं। व्यूअर्स, बात करते चले इनके ड्रामाज की, तो ये ड्रामा काला टोरिया, ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्जी, ड्रामा बंदिश, ड्रामा अमानत और ड्रामा बदजात से काफ़ी शोहरत हासिल कर चुकी हैं और इनके सपोर्टिंग रोल्स को बेहद पसंद भी किया जाता है। बात करते चले इनकी फैमिली के बारे में, तो व्यूअर्स, ये एक नॉन आर्टिस्ट फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। बात करते चले इनके मैरिटल स्टेटस के बारे में, तो इनकी शादी 2010 में असलम भट्टी के साथ हुई और शादी के कुछ माह बाद ही इनकी डाइवोर्स भी हो गई। और व्यूअर्स, इन्होंने इस बात का इंकशाफ खुद किया कि ये दोबारा शादी करना ही नहीं चाहती बल्कि ये अपने शोबिस कैरियर में ही नाम बनाना चाहती हैं। इन्होंने एज अ मॉडल ही शोबिस को ज्वाइन किया था और अपनी वक्त की टॉप हीरोइन रह चुकी हैं। ये बहुत से मूवीज़ और ड्रामाज में सपोर्टिंग रोल के साथ साथ लीड रोल में भी नज़र आती रही हैं। बात करते चलें इनकी फिजिकल अपेयरेंस की, तो इनकी हाइट 5 फुट 7 इंच, इनका हेयर आई कलर ब्राउन जबकि इनकी कम्प्लेक्शन फेयर है, इनका फेवरेट कलर ब्लैक, इनकी फेवरेट डेस्टिनेशन पाकिस्तान, इनकी हॉबी शॉपिंग करना, ट्रैवल करना है। बात करते चलें इनकी तालीमी काबिलियत की, तो इन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से ही फैशन डिज़ाइनिंग में बैचलर्स मुकम्मल कर रखा है। तो व्यूअर्स, ये खूबसूरत सी अदाकारा ज़ैनब कय्यूम आपको कैसी लगती हैं, इनका कौन सा ड्रामा आपका फेवरेट है, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो मैं मिलूंगी किसी नए इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। अपना और अपने प्यारों का ढेरों सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगेबान।